स्किल बढ़ाना हमेशा आपकी ग्रोथ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हेलो नमस्ते पेचेक प्रोस, मैं हूँ मनीष आहुजा, ये है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ बात करता हूँ आपके ही पैसों के और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं नए वीडियोस बनाता हूँ 4th, 14th एंड 24th तारीख को हर महीने की, जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूँ आप अपने कैसे पैसों को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसों को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ बात करता हूँ अपने पैसों को कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे अपने पैसों को बढ़ाकर इतना एक कॉर्पस बना सकते हैं, एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिससे आपको इतना पैसा मिल सके कि आपको पैसों के लिए कभी काम ना करना पड़े। तो अगर आप पहले ही इतना पैसा कमा रहे हैं कि आपको अपने रिटायरमेंट का टेंशन नहीं है, आपके सारे एक्सपेंसेस का कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आप ये चैनल नहीं देखें, आप कुछ और देख लीजिए, थोड़े मुझे कमेंट करना, और मैं ही आपको रेकमेंड करता हूँ कोई फ़नी यूट्यूब वीडियोस। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी में हैं जहाँ पे आप अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो आप कर सकते हैं कोरोना के समय में, जिससे आप अपने पैसों को या तो सेफगार्ड कर सकते हैं या तो आप अपने और पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो जब हमने ये वीडियो को इंग्लिश में शूट किया, हमने ये रियलाइज़ किया कि सारी चीज़ें नेसेसरी नहीं हैं आपको अपने पैसों को मैनेज करने के लिए डायरेक्टली हेल्प करें, अगर ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हेल्प करेंगी। बेसिकली ये सारी चीज़ें आप अगर करते हैं या इनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप करते हैं, तो जब आप वापस अपने रेगुलर लाइफ में चले जाएंगे, तब आपको अपने पेचेक को बढ़ाने के लिए या अपने कोई न्यू स्किल आपकी लाइफ को कैसे हेल्प करेगा, उसमें ये 5 पॉइंट आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं या आपको ज़रूर करनी चाहिए वो ये है कि आप कोई भी चीज़ को होल्ड ना करें। होल्ड करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ को ख़रीदना। अगर आप कोई भी चीज़ अपनी ज़रूरत से 1 या 2 या 3 महीने से ज़्यादा का स्टॉक ख़रीद रहे हो, और अगर आप ये हर चीज़ के लिए कर रहे हो, तो आप होल्ड कर रहे हो। होल्डिंग करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दे रहे हो उन ऐसी चीज़ों में जो हो सकता है 2 या 3 महीने के बाद में आपको रेगुलरली मिलने लगे, और दूसरा आपके होल्ड करने के वजह से कोई दूसरा इंसान जिसको किसी वही चीज़ की आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसे आज ज़रूरत है, उसे वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ होल्डिंग मत कीजिए। दूसरी चीज़ जो आप अपने पैसों के साथ कर सकते हो वो ये है कि आप अपना पैसे बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके। ऑफकोर्स अगर हम सब सेल्फ आइसोलेशन में, अगर सब घर बैठे हुए हैं, तो हम फैमिली के साथ तो स्पेंड टाइम कर ही रहे हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मूवीज़ देखें, बोर्ड गेम्स खेलें, खाना खाएं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ये आपको नेसेसरी नहीं है कि आपको अपने पैसे बढ़ाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये आपको अपना इमोशनल हेल्थ को सुधारने में बहुत हेल्प करेगा। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको ज़रूर एक नया पर्स्पेक्टिव मिलेगा। तीसरी चीज़ जो मैं आपको डेफिनेटली करने के लिए कहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली ये कीजिए, वो ये है कि किसी न्यू बिज़नेस, साइड हसल, किसी नई चीज़ के लिए थोड़ा रिसर्च कीजिए। हमें इतना टाइम मुश्किल से मिल पाता है, और अगर अभी जब मिल रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ अगर आप कर सकें जिससे आपको एक साइड इनकम मिल सके, एक पैसिव इनकम मिल सके, उसके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। पैसिव इनकम आपके फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हो कोरोना के समय में वो ये है कि आप एक नया स्किल डेवलप कर सकते हो। ये आप कैसे करोगे? अगर आपने बहुत सारे बुक्स जमा करके रखे हैं जो आपने सेल में ख़रीदे हैं और आपको अब तक पढ़ने का टाइम नहीं मिला, वो बुक्स पढ़ लीजिए। आपके जो पुराने फेवरेट बुक्स हैं उन्हें रीरीड कीजिए। कोई ऑनलाइन कोर्स ख़रीद लीजिए। कोई भी तरीके से अपना अगर स्किल आप बढ़ाते हो, तो ये डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल हेल्थ को सपोर्ट करता है। स्किल बढ़ाना हमेशा आपकी ग्रोथ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। पांचवी चीज़ जो आप डायरेक्टली अपने पैसों के लिए या अपने पैसों के साथ कर सकते हैं वो ये है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस का और पैसों के बढ़ने का क्या कनेक्शन है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लियर है आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं।
ये वाला वीडियो चेक कीजिए जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितने का मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, किस किस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको अपने फैमिली में। इन सारे सवालों के जवाब मिलने से आपको पता चलेगा कि मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है इस वीडियो का टाइटल है 5 चीज़ें जो आप अपने पैसों के साथ कर सकते हो, बट मैं आपको एक बोनस देना चाहूँगा। एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, छठी चीज़ जो आप अपने टाइम के साथ कर सकते हो, जो आपको आपके ही पैसे बढ़ाने के लिए ज़रूर मदद करेगी या हेल्प करेगी, वो ये है कि आप रेस्ट कर सकते हो। आज की इतनी बिजी लाइफ में हम भूल गए हैं कि रेस्ट कितनी इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट से हमें हमारी बॉडी को कितना फ़ायदा होता है। प्लीज़ इस टाइम को यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए। आप इवेंचुअली तो अपने काम पे वापस जाने ही वाले हो, तो जितना आप ज़्यादा रेस्ट अभी करोगे उतना ही आप ज़्यादा रिफ़्रेश्ड महसूस करोगे अपने आप को। एक 2 दिन की या 3 दिन की वेकेशन जैसे आपको एक नया बूस्ट दे देती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर रेस्ट करने से आप एक नया एनर्जी अपने आप में एक्सपीरियंस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया और आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिला है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पे हर चैनल पे शेयर कीजिए। बट हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।